हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैशन एक्स प्रो की पांच अच्छी बातें और क्या क्या इसमें मेरे हिसाब से या लोगों के यूजर के हिसाब से सही नहीं है वो सब मैं आपको बताऊंगा, और गाड़ी में क्या क्या अच्छी बातें हैं क्या क्या सही नहीं है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ चुके हैं और ये मेरे पास पैशन प्रो खड़ी हुई है और देख लीजिए कितना अच्छा लुक है। पैशन एक्स प्रो है और इसका लुक देख लीजिए, i3s है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका लुक सबसे बेस्ट है, और दूसरी बात ये है कि इसकी गद्दी बहुत बढ़िया है, लंबी गद्दी है इसकी। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात ये है कि इसमें कॉम्बो नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी मॉडल हैं उसमें कॉम्बो दी गई है लेकिन इस वाले में नहीं दी गई है। ये आपकी तीन अच्छी बातें हो गई है, और आपको मैं चौथी बात अच्छी बताता हूँ। सबसे बढ़िया इसके बैकलाइट का है, बैकलाइट देख लीजिए, ये देख लीजिए बैकलाइट का लुक कितना अच्छा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और भी देख लीजिए, लुक सबसे फर्स्ट क्लास दिया हुआ है, सबसे बढ़िया लुक है इसका। और डिजिटल मीटर दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, ये डिजिटल मीटर इसका सबसे अलग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें i3s का बटन दिया गया है। ये i3s का बटन इसलिए होता है कि जैसे आप कभी जाम में फंस जाते हो तो आप चाबी ना बंद करके के गाड़ी बंद हो जाती है आपकी, और क्लच दबाइएगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये i3s का बटन इसलिए होता है, इसे ऑन रखिएगा और गाड़ी जब चलाइएगा तो इसे ऑन रखिएगा और ब्रेक क्लच दबाइएगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसकी कमियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे बड़ी कमी इसकी ये सेल्फ की है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से इंजन स्टार्ट होता है। ये सबसे बहुत ही हमको बद्दा लगता है, बहुत ही साउंड करता है। ये नई गाड़ी है और इसमें ये दिक्कत है। तो दोस्तों ये कंपनी में भी गई थी एक बार, और कंपनी वालों ने इसे थोड़ा बहुत सही कर दिया, कुछ दिन चली, फिर उसके बाद ये दिक्कत आ गई। और उसके बाद फिर दोस्तों इसमें यही दिक्कत बनी रहती है, इसमें सेल्फ की स्टार्टिंग की जो दिक्कत आती है, जो साउंड आवाज़ करता है, ये दोस्तों इसमें दिक्कत आती रहती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें पिकअप हल्का कम है। पैशन प्रो के मामले में इसमें पिकअप हल्का कम है, एक्स प्रो में पिकअप कम आता है। ठीक है दोस्तों, और इसका ये सेल्फ है, ये सेल्फ देख लीजिए, और गाड़ी में और सब कुछ फर्स्ट क्लास है, और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी फर्स्ट क्लास है, गाड़ी का लुक सब कुछ बढ़िया है, बेहतर है, और गाड़ी चलने में अच्छी है, मैंने चला के देखी हुई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो इंजन के पिकअप की दिक्कत है, बस पिकअप की दिक्कत है और इसका सेल्फ की दिक्कत है, और बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कंपनी वालों ने अच्छी गाड़ी बना ली है। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इस गाड़ी के विषय में तो प्लीज़ हमें कमेंट बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।